टेलर की ठोकर से हाईवे पर अनियंत्रित हुई मिक्सर मशीन पलटी, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर तिलकपुर मंदिर के सामने टेलर की ठोकर से अनियंत्रित मिक्सर मशीन पलट गई है, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिल रही है। वहीं सूचना मिलते ही नगर पुलिस ने मौके पर पहुंची है और आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। मिली जानकारी के अनुसार मिक्सर मशीन कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलसड़ दैलापुर के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस टीम द्वारा मिक्सर मशीन को सड़क से हटवाने का कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप तिलकपुर मंदिर के पास की देख पा रहे हैं कि जहां पर एक मिक्सर मशीन पलट गई है। मिक्सर मशीन कहीं छत लादने के लिए जा रही थी और जिसपे मजदूर भी सवार थे, जिसपे टेलर की ठोकर लगी है और यह हाईवे पर पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गई है। ट्रैक्टर तो बाल बाल बच गया, लेकिन मिक्सर मशीन ठोकर लगने से पलट गई है। इस पे बैठे एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत नगर पुलिस ने मौके पर पहुंची है और आनन फानन में उपचार के लिए घायल को अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं इस मशीन को पुलिस द्वारा हाईवे से हटवाने का भी कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें तिलकपुर मंदिर के पास की हैं, जहां पर ये मिक्सर मशीन पलटी है और मिक्सर मशीन को आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हाईवे पर पलटी हुई है। एक मजदूर घायल होने की बात सामने आ रही है और पुलिस मौके पर उसे अस्पताल भिजवाई है। फिलहाल लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोगों ने बताया है कि यह गाड़ी जा रही थी और टेलर की ठोकर से ये अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित होने के बाद ही ये हाईवे पर पलट गई है और लोग बाल बाल बच गए हैं, लेकिन एक मजदूर को गंभीर रूप से चोटें आई हैं और गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में उसे अस्पताल भेजा गया है। तो ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर बने रहें। निश्चित तौर पर हम आपके बीच में, आपसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आपके बीच में लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी खबरों, दूसरी परिचर्चाओं के साथ। तब तक हमारे पेज पर बने रहें, खबरों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा फॉलो करना ना भूलें। हम आपके बीच में आपसे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी खबरों, दूसरी परिचर्चाओं के साथ।